मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं काठमांडू में। जैसे कि आपने कल रात को देखा होगा, हम लोग आए थे, होटल वगैरह ले लिया था, उसके बाद काफी थक गए थे, तो प्रॉपर रेस्ट करके आज निकले हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए, और होटल के बहुत पास ही पशुपतिनाथ टेम्पल था, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में हम लोग को सिर्फ 2 मिनट लगा होगा। यहाँ से एंट्रेंस है इसकी, सो यहाँ से स्ट्रेट वॉक करके जाना है अभी, और सामने है टेम्पल। टेम्पल से पहले हम लोग ने ये ले लिया है फूल और रुद्राक्ष और ये सब प्रसाद, और यहाँ से है टेम्पल की एंट्रेंस। ये है पशुपतिनाथ मेन टेम्पल की एंट्रेंस। अभी हम लोग टेम्पल से वापस अपने होटल के लिए जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे चंद्रगिरी पीक के लिए। काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा टेम्पल था और अंदर वीडियोस वगैरह अलाउड नहीं थे, बट बहुत ज़्यादा ही अच्छे से बनाया हुआ था। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे शॉप्स भी हैं, रुद्राक्ष और भी चीज़ें मिल रही हैं, प्रसाद वगैरह भी आप यहाँ से लेके जा सकते हो। और आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा क्लीन है यहाँ पे, मतलब कुछ भी दिख नहीं रहा है रोड पे कि कोई रैपर पड़ा हो चिप्स का, किसी और चीज़ का, बहुत ज़्यादा क्लीन है। ये वाला एक शॉर्टकट रास्ता था अंडरग्राउंड, तो ये वाले अंडरग्राउंड रास्ते से हम लोग आए थे, इसको क्रॉस करते ही उस साइड हमारा होटल है, और इसके सामने जस्ट टेंपल था। सो यहाँ पे जो हमने सिम ली थी वो एनसेल की थी, और यहाँ पे एक ऑफिस जैसा कुछ दिख रहा है स्टोर, तो यहाँ पे जाके पूछते हैं कितने का क्या रिचार्ज करेंगे, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा चाहिए। इसी से डेटा आ जाएगा, मतलब इससे पैसा आ जाएगा, और आपको फिर इससे डेटा खरीद सकते हो। 145 में 5GB कब तक रहेगा? यहाँ के 100 रुपये के नोट पे एवरेस्ट की पिक्चर लगाई है शायद से, और पीछे कुछ ऐसा दिख जाएगा आपको, राइनो है, और यहाँ पे लिखा हुआ है लुम्बिनी, जो मैं आपको जगह बता रहा था फर्स्ट व्लॉग में, जो हम लोग नहीं जा पाए टाइम की वजह से, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो ये है हमारे होटल की पार्किंग, और यहाँ पे ही होटल है ये वाला, और अभी हम लोग निकलेंगे चंद्रगिरी हिल के लिए। और गाड़ी की हालत आपको अभी सुबह समझ में आएगी कितनी ज़्यादा कल गंदी हुई थी रोड की वजह से, शीशा वगैरह पूरा सब कुछ गंदा है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं चंद्रगिरी हिल्स के लिए, वहाँ पे रोप वे है और काफ़ी अच्छा व्यू आता है एवरेस्ट का भी टॉप पे जाके, और नेविगेशन सेट कर दिया है अभी, तो डिस्टेंस दिखा रहा है 16 किलोमीटर्स और 50 मिनट्स लगेगा। तो अभी हम लोग होटल से निकल गए, और ये सारा जो ट्रैफिक है, ये लोग टेम्पल देख के आ रहे हैं, तो वो वाला ट्रैफिक है सारा। इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पे लोग रूल्स थोड़े ज़्यादा फॉलो करते हैं ट्रैफिक के, उस साइड से मतलब लेफ्ट जिनको जाना है वहाँ पे है, तो यहाँ पे वो लगा के रखे हैं बीच में बैरिकेड्स वगैरह, तो लोग इधर ही रह रहे हैं और उस साइड वाले रास्ते को यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ से अभी हम लोग को लेना है लेफ्ट, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है अभी सुबह का टाइम है शायद इसीलिए। यहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं काफ़ी सही से यूनिफॉर्म पहन के रहते हैं, मास्क वगैरह पूरा प्रॉपर सब कुछ, तब से हम लोग वहीं पे फंसे हुए हैं अभी, मतलब काफ़ी ज़्यादा जाम है, शायद कोई मेन सर्कल है ये, इसका नाम है त्रिपुरा मार्ग। तो यहाँ पे हर गाड़ी के पीछे आपको ऐसा देखेगा लिखा हुआ आमा बुआ को आशीर्वाद, तो कोई अगर नेपाली देख रहा हो मेरा वीडियो, उसका आप मतलब बताइए कि यही क्यों हमेशा हर गाड़ी के पीछे आप लोग लिखवाते हैं। और ट्रैफिक को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है, लोग रूल्स भी फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे ये जो बीच में डिवाइडिंग लाइन है, सारा ट्रैफिक आपको दिखेगा उसी साइड है, मतलब बाइक वगैरह वाले भी इस साइड से कोई नहीं आ रहा। गाड़ी जा रही है आगे, इसका नाम है टेरियोस, और पता नहीं कंपनी कौन सी है, या तो कंपनी का नाम टेरियोस है। मेन हाईवे छोड़ के अभी हम लोग ने ये वाला रोड ले लिया है, और सामने आपको दिख रहा होगा माउंटेन्स दिख रहे हैं। लास्ट के अभी 1 किलोमीटर रह गया, और काफ़ी ज़्यादा रास्ता स्टीप हो गया है, कैमरा में समझ भी नहीं आ रहा, बट मैं भी अभी फर्स्ट ही गियर में क्लाइम कर रहा हूँ, बिकॉज पेट्रोल कार है तो टॉर्क थोड़ा सा कम होता है, तो इसे गियर डाउन करके ऐसे चढ़ाना होता है। और ऑलमोस्ट हम लोग आने वाले हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे टूरिस्ट टैक्सीज वगैरह दिख रही है, और एक भी कार अभी तक हम लोगों को सुबह से इंडिया की नहीं दिखी है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू चंद्रगिरी हिल्स, अभी देखते हैं पार्किंग कहाँ पर है। तो पार्किंग के लिए यहाँ ऊपर जाना है, और ये वाला तो पिछले वाले से भी काफी ज्यादा ही स्टीप है। कार को पार्क कर दिया, और ये है पार्किंग चंद्रगिरी हिल्स की, और व्यू काफी ज्यादा अच्छा है, पूरा काठमांडू सिटी आपको यहाँ से दिखेगा। अब
अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, यहाँ आगे से रोपवे की टिकट लेंगे। सो यहाँ का जो प्राइस है रोपवे का 1280 नेपाली रुपीज है पर पर्सन। काफी ज्यादा रश है तो टिकट लेने के बाद रोपवे के लिए वेट भी करना होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसे करके, और ऊपर जाके आपको एवरेस्ट का व्यू भी दिखेगा टॉप पे जाके। दो टिकट चाहिए 2560 नेपाली रुपीज। चंद्रगिरी हिल्स का टॉप का व्यू। यहाँ पे काफी सारी माउंटेन रेंजेस हम लोग को दिख रहे हैं। तो चंद्रगिरी हिल्स है यहाँ पे 8 to 6 feet पे, और अभी हम लोग यहाँ से आए थे और अभी यहाँ पे ऊपर जाएंगे। यहाँ पे कोई टेंपल है ऊपर, ये रास्ता जा रहा है। और ये हम लोग को एक जगह मिली है, तो ये है चंद्रगिरी हिल्स का टॉप। काफ़ी दूर तक चल के हम लोग आए हैं नीचे से, और यहाँ पे जिप लाइन भी है। जिप लाइन के लिए यहाँ से जाना है, और नीचे भी काफ़ी अच्छा बना रखा है पूरा सिटिंग के लिए, बच्चों के लिए भी वहाँ पे काफ़ी सारे ही सारे हैं। ऊपर आके आपको ये टेंपल मिलेगा बालेश्वर महादेव का। तो अभी चंद्रगिरी हिल से हम लोग नीचे जा रहे हैं, और काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत कुछ है यहाँ पे करने के लिए। टेंपल भी था ऊपर, और यहाँ पे ऊपर से आपको ये माउंटेन रेंजेस का जो व्यू है ना बहुत ज़्यादा ही सही मिलेगा। काफ़ी सारे यहाँ पे अलग अलग पहाड़ हैं, सबके अलग अलग नाम हैं। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर निकल रहे हैं, उसका नाम है शंभुनाथ स्तूपा, और उसके पास एक और स्तूपा है। सो टोटल दो स्तूपा हम लोग देखने वाले हैं, और उसके बाद एक जाएंगे हम लोग मॉनेस्ट्री में। से एग्जिट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप कुछ चाहो तो खरीद भी सकते हो। ये है यहाँ की पार्किंग, पार्किंग भी काफी क्लीन है, कुछ भी आपको जमीन पे दिखेगा नहीं। तो चंद्रगिरी हिल से निकल रहे हैं, जा रहे हैं शंभुनाथ स्तूपा। शंभुनाथ टेंपल के लिए अभी हम लोग ने मेन रोड से एक लेफ्ट लिया हुआ है, रास्ता भी ऐसा हो गया है, और बीच बीच में गलियों में रास्ते काफ़ी ज़्यादा स्टीप हो जाते हैं, तो फिर से डाउनशिफ्ट करना पड़ता है। जैसे ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। सो टेंपल आ गया है, और ये पूरा टेंपल का ही पार्ट है शायद से। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, इसमें मैप में भी आगे दिखा रहा है, वहीं पे शायद पार्किंग भी होगी, और काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है पूरा ये। सो अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं टेंपल जाने से पहले। मैंने ऑर्डर किया था थुक्का, और मम्मी ने किया था फ्राइड राइस, और ये आ गया, अभी हम इसको खाएंगे। तो यहाँ पे अभी खाना खाया था, और कार को भी अभी यहीं पार्क कर देंगे, और हम लोग फिर टेंपल पास में ही है तो घूम कर आएंगे, बिकॉज पार्किंग का वहाँ पे इशू है। तो यहाँ पे पार्किंग भी सही मिल गई है। खाना खाया था, अभी वहाँ से वॉक करके जा रहे हैं, पास में टेंपल है। तो ये है टेंपल की एंट्रेंस, और यहाँ से अभी अराउंड 300 स्टेयर्स हम लोग को चढ़ के ऊपर जाना है। तक आए हैं, और दूर में आपको दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा भी स्टेयर्स रह गए, और काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स हैं, और अभी हम लोग हाफ रास्ता आ चुके हैं, हाफ रह गया अभी भी। सो अभी ऊपर आते आते ये लास्ट के स्टेप से और ज़्यादा ही स्टीप हो गया है। यहाँ ऊपर से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, अभी तक काफ़ी सारे स्टेप्स अभी तक चढ़ चुके हैं हम लोग, और ये पूरा सिटी का व्यू आ रहा है। ये यहाँ का रेट है टिकट्स का। सो टॉप पे आ गए, और ये है यहाँ का व्यू।
काफी ज्यादा अच्छा व्यू है पीछे। तो यहाँ पे कुत्तों को पकड़ने वाला ही आया हुआ है, तो उसको फिर भौंक रहे कुत्ते से। बहुत सारे यहाँ पे मंकीज हैं, बहुत ही ज्यादा। शंभुनाथ टेम्पल के पीछे यहाँ से एक रास्ता जाता है बुद्धा पार्क के लिए, और यहाँ का भी शाम का कुछ ऐसा व्यू है, काफी ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे लोग कॉइन्स फेंक रहे हैं और इस होल में जाना चाहिए, तभी उन लोगों की विशेष फिर पूरी होगी ऐसा कुछ। बाद अभी हम लोग जा रहे हैं बुद्धा पार्क, और ये रास्ता है वॉक करके 5 से 10 मिनट कुछ दूर है यहाँ से। यहाँ से अभी कोई शॉर्टकट मिला है हम लोग को, मेन रोड ऊपर जा रही थी, फिर यहाँ पे स्टेयर्स वाला कोई शॉर्टकट लोकलों से ही पूछ पूछ के हम लोग जा रहे हैं। ये बुद्धा पार्क के पास वाला मेन मार्केट है, और ये है बुद्धा पार्क। अभी हम लोग आगे से एंटर करेंगे। तो ये है बुद्धा पार्क, और लॉर्ड बुद्धा का सबसे बड़ा स्टैचू यहाँ पे है। वहाँ पे कार को पार्क किया था, अभी वहाँ पे जा रहे हैं, और उसके बाद डायरेक्टली होटल जाएंगे। गाड़ी में वापस आ गए और अभी होटल का नेविगेशन डाल दिया है, 20 मिनट कुछ लगेगा होटल पहुँचने में। तो सामने एक करोला का मॉडल जा रहा है, टोयोटा का लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, 2000 ईयर से भी पहले वाला मॉडल मुझको लग रहा है ये वाला। चलिए अभी रूम में वापस आ गए हैं, आज के इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल। टिल देन बाय, टेक केयर, विल सी यू अगेन।